जय माँ कल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं लिंक चल रहा है आईटीबी की वेबसाइट पे। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ट्रेड्समैन बार बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर की आप लोग की वैकेंसी है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोग का ओपन होगा। तो काफी अच्छी रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 28 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 26 अगस्त 2024 तक चलने वाले हैं। यहाँ पे जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है बार बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो सफाई कर्मचारी में किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, वो वीडियो देखिए। यदि आप लोग सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दिया है। इसके अलावा आज का जो मेरा वीडियो है कांस्टेबल गार्डनर, जी हाँ कांस्टेबल गार्डनर की भी आप लोग की 37 वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। यदि आप लोग गार्डनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए वैकेंसी है मेल में और फीमेल में, आप लोग देख सकते हैं किसकी किसकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सफाई कर्मचारी बार बार के लिए 18 से 25 जनरल मांगी गई है लेकिन गार्डनर के लिए यहाँ पे जनरल से हैं आप लोग तो 18 से 23 साल आप लोग की एज मांगी गई है। ओबीसी से हैं तो 18 से 26 साल तक, एससी एसटी से हैं तो 18 से 28 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है गार्डनर के लिए 10th class + 2 year एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा जा रहा है, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो 1 year ITI + 1 year एक्सपीरियंस या फिर 2 year ITI आप लोगों ने कर रखा हो। तो ITI तो बच्चे नहीं मिलते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे ही मिलते हैं। तो 10th + 2 year एक्सपीरियंस है तो आप लोग गार्डनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, सर हमारा जो है ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या करें, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जबकि सफाई कर्मचारी और बार्बर के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th class pass यहाँ पे मांगा गया था। तो चलिए किस प्रकार से गार्डनर के लिए अप्लाई करेंगे पूरी पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक है, इसका लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जी हाँ ऑनलाइन अप्लाई का, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आईटीबीपी की वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग को कॉर्नर पे दो ऑप्शन हो रहे हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। यदि आप लोग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आईटीबीपी की वेबसाइट पे पहले, तो आप लोग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी हाँ जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहां से आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को पहले अपना नाम डालना पड़ेगा, जो भी आप लोग का नाम है पूरा पूरा लिख देंगे। जैसे कि मुकेश मिडिल नेम भी है आप लोग का, जैसे कुमार तो आप लोग कुमार लिख देंगे। लास्ट नेम भी है आप लोग का जैसे कि वर्मा तो आप लोग वर्मा लिख देंगे। और यदि आपका नाम सिर्फ और सिर्फ मुकेश कुमार है तो आप लोग मुकेश लिखेंगे फर्स्ट में और कुमार आप लोग लास्ट में लिख देंगे, मिडिल आप लोग छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप लोग नाम लिखेंगे, जो भी आप लोग का ईमेल है ईमेल डालेंगे, उसी ईमेल को दोबारा से यहाँ पे कन्फर्म करेंगे लिख करके। और इसके बाद आप लोग को एक पासवर्ड बनाना है। जी हाँ स्ट्रांग पासवर्ड आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे नंबर कैप और अल्फाबेट इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इस उसी पासवर्ड को आप लोग दोबारा से यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद आप लोग की डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप लोग की 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार वो आप लोग को लिखनी है। जो आप लोग का मंथ है जो ईयर है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, डे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप लोग का सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग चूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग की मदद करती है जब आप लोग पासवर्ड को रीसेट करते हैं कभी आने वाले समय में, तो आप लोगों से सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को हमेशा याद रहे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर बाइक नेम, फर्स्ट बाइक नेम आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आप लोग की फर्स्ट बाइक का नेम था आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, बजाज यामा जो भी थी, ये आप लोग को हमेशा याद रहेगी। इसके अलावा आप लोग को जो कैप्चा दिया गया सेम टू सेम आप लोग उतार देंगे, 7CG वगैरह जो भी लिखा हुआ ठीक है। और इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो लिंक वगैरह जाएगा मेल पे और मोबाइल पे, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है अपनी प्रोफाइल वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, फोटोग्राफ और जो भी डिटेल वगैरह आप लोग को भरनी होगी। जी हाँ उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने की पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, न्यू ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था पहले, आप लोग को डायरेक्ट लॉगिन करना है तो आप लोग को लॉगिन वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जी हाँ जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा, यहीं से आप लोग को लॉगिन करना है। इसके लिए जो भी आप लोग का मेल था वो मेल आप लोग डालेंगे, जो पासवर्ड आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय डाला होगा वो पासवर्ड आप लोग डालेंगे, और जो ये कैप्चा दिया गया LYURF जो भी लिखा है कैपिटल में आप लोग स्मॉल में जैसे भी लिखा है लिख देंगे,
इसके बाद आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिए गए। तो लॉगिन करना है हमें, तो यहाँ पे ईमेल पासवर्ड कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट आप लोग की चल रही है वो डिटेल आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी। जी हाँ, आप लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेजिग्नेशन क्या है कांस्टेबल की, और इसके अलावा पोस्ट आप लोग की क्या है ट्रेड्समैन की, एक्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो हमें ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन पे हम लोग लाइव पे क्लिक करेंगे। लाइव पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग की जो भी रिक्रूटमेंट चल रही है, डेजिग्नेशन वगैरह दी गई है, पोस्ट आप लोग की दी गई है, और इवेंट वगैरह, ठीक है, बोथ जेंडर मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल दी है। इसके अलावा एक्शन यहीं से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ बार्बर का आ रहा है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन बार्बर का आ रहा है। और इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी के लिए मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं, और मुझे फॉर्म अप्लाई करना है गार्डनर के लिए, लेकिन गार्डनर का ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा है। इस वजह से स्टूडेंट्स बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर गार्डनर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, यदि ऑप्शन आप लोग का गार्डनर का नहीं आ रहा है, तो आप लोग को अपडेट हेयर का बटन इस पे दिया गया है, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग का पर्सनल डिटेल, यानी कि आप लोग का जो पर्सनल डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। कुछ ना कुछ आप लोग को यहाँ पे चेंजेस करना होगा, इसके बाद ही आप लोग को ऑनलाइन का अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पर्सनल डिटेल दी गई है, जो भी आप लोग का नाम वगैरह है, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप देख लेंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को परमानेंट एड्रेस दिया गया, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह दिया गया, तो आप लोग एड्रेस देख लेंगे, एड्रेस में तो कुछ चेंज नहीं करना आपको। इसके अलावा अदर डिटेल दिया है आप लोग को, रिलीजन नेशनलिटी वगैरह आप लोग देख लेंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं उसकी डिटेल आप लोग को दी गई। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहीं पे आप लोगों को कुछ चेंजेस करना होगा, इसके बाद ही आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 10th पास, और इसके अलावा सेकंड जो है मेरा 12th विद पीसीएम। तो 10th पास मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से मेरा ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 10th पास सेलेक्ट नहीं करना है, 10th प्लस 2 ईयर सेलेक्ट करना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों को 10th प्लस 2 ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, आप लोगों को 10th प्लस 2 ईयर को सेलेक्ट करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, और इसमें नीचे आना आपको, और नीचे आना, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एमएससी नर्सिंग और एनी अदर हायर डिग्री, एमएससी नर्सिंग और एनी अदर हायर डिग्री कंसर्न विद नर्सिंग, इसके नीचे आप लोग को 10th की डिटेल दी गई, 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है, इसे आप लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है 10th प्लस फॉर रिकॉग्नाइज्ड ईयर सर्टिफिकेट आईटीआई साथ में कर रखी है, ये भी आप लोग का आईटीआई से रिलेटेड है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। यानी कि 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और ऊपर जो आप लोग का दिया गया है 10th प्लस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, सिर्फ ट्रेड में आप लोगों को 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नहीं मांगा गया। तो ऊपर वाला आप लोग को सेलेक्ट नहीं करना है, आप लोग को जो नीचे यहाँ पे 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने किया है, तो इसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जी हाँ, इसके बाद आप लोग को इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे देना होगा, और जो आप लोग की परसेंटेज वगैरह है वो आपको देनी होगी, बाकी आप लोग डिटेल दे देंगे, सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग को सबमिट का बटन दिया, तो सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो है, जो आप लोगों ने चेंजेस किया है वो आपका सबमिट हो गया है। अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अब सबसे नीचे आप लोग का आफ्टर सक्सेसफुल सबमिट प्रोफाइल डिटेल यू कैन अप्लाई हियर, तो अप्लाई हियर पे आप लोग को क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन गार्डनर का जो अप्लाई हियर का बटन आ चुका है ग्रीन कलर का। तो सारा का सारा खेल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्टिव ट्रेड, जी हाँ, 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने किया है, उसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तभी आप लोग का ये बटन आएगा, नहीं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी, तो सारी प्रॉब्लम मैंने आप लोग की सॉल्व कर दी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रियल और सटीक जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो अप्लाई के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को दिखाया जा रहा है गार्डनर की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, डिक्लेरेशन आप लोगों को करना है, आई
एग्री पे आप लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक, तो इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को डिटेल वगैरह दी गई है, आप लोग देख लेंगे। कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं करना है, यदि कुछ चेंजेस का करना है अभी भी तो प्रीवियस पे क्लिक करके आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे एग्जाम फीस से आप लोग एग्जेम्प्ट है। यदि आप लोग एससी एसटी फीमेल के स्टूडेंट हैं तो आप लोग फीस से एग्जेम्प्ट है, फीस पेमेंट आप लोग को नहीं करनी होगी। और यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है तो आप लोग को यहाँ पे फीस पेमेंट करनी होगी। जी हाँ, फीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप लोग को जो प्रिंटआउट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करनी है, तो यहाँ पे आई एग्री पे आप लोग क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग सबमिट करेंगे। जी हाँ, सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है तो आप लोग को फीस जमा करनी होगी। फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो कार्ड से या फिर जैसे भी आप लोग पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप लोग का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से आप लोग की डिटेल यहां पे आ जाएगी। तो जैसे मैंने गार्डनर के लिए अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया है लेकिन अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो यहीं से आप लोग के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। इसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दिया उससे जुड़ी। तो गार्डनर में एप्लीकेशन फॉर्म का क्लिक पे आप लोग क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग का जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग का आ जाएगा। आप लोग देखेंगे सबमिटेड एप्लीकेशन डिटेल, आप लोग की पूरी पूरी डिटेल आ गई है जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। अब आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग का प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रिंट एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट निकाल के आप लोग रख लेंगे। मैंने आप लोग को पूरी पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आप लोग आईटीबीपी में जो आप लोग की कांस्टेबल ट्रेड्समैन में गार्डनर की वैकेंसी निकल के आई, गार्डनर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन का विशेष ध्यान रखिए, 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट, यही आप लोग को सेलेक्ट करना है, तभी आप लोग गार्डनर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप लोग सफाई कर्मचारी और बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली और ओनली आप लोग को 10th क्लास सेलेक्ट करना हो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपडेट करेंगे तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट यूट्यूब टाइम। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगते। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।